लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया आदिवासियों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल आदिवासियों की समस्याएं सुनी बल्कि उनके साथ खाना भी बनाया। पिता के लिए चुनाव प्रचार के दौरान शेखपुर गांव में आदिवासियों के बीच महान आर्यमन का पहुंचना राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि उनका परिवार सदियों से लोगों की सेवा करता आया है और वो भी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ग्रामीण लोगों से मुलाकात चल रही है, किस तरीके से लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है हमारे आदिवासियों के बीच में समय बिताना। अभी आज शाम को हम साथ में बात चर्चा कर रहे थे, उनके क्या मांगे शिकायत है, उसके साथ साथ हम आराम से बैठ के गीत गा रहे थे और फिर हमने निर्णय लिया कि चलो साथ में भोजन भी खा लेते हैं। तो हम यहाँ बैठ के सबके साथ भोजन बना रहे हैं ताकि हम सब साथ में बैठ के शाम को खाना खाएं। और खाने जब आप साथ में खाना खाते हैं तो आप लोगों के बीच में प्यार विश्वास बढ़ता है। खाना एक अनेक चीज़ है जिसके द्वारा जो किसी व्यक्ति का संबंध जो है और मजबूत होता है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ हमेशा खाना बनाता हूँ, उनके साथ खाता हूँ क्योंकि उसमें कुछ अलग मज़ा है। वैसे आप पसंदीदा खाना कौन सा है जो दोस्तों के साथ बनाते हैं और आज इन आदिवासियों के बीच बनाया है? तो अब आज ये मेरा मनपसंद है पालक और आलू की सब्जी और ये कुरुम कुरुम भिंडी जो है क्रिस्पी भिंडी, तो आज हम ये बना रहे हैं। लेकिन आपने पहले मुझे पूछा था मेरा मनपसंद खाना क्या, जब मैं घर वापस आता हूँ तो ये वरण वाला दाल, तो अगले बार हम आपको वरण वाला दाल खिलाएंगे, ठीक है? ये मराठा दाल होता है, अलग दाल होता है और उसके साथ साथ वो यही भिंडी, थोड़ी सी अचार और चावल और घी। आदिवासियों के साथ आपका काफी समय गुजर रहा है जी, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? मुझे बहुत मजा आता है लोगों के बीच में, चाहे आदिवासी हो चाहे कोई और हो, लोगों के बीच में बहुत मजा आता है उनको जानना पहचानना समय बिताना। तीसरे चरण का मतदान नजदीक है, 7 मई को गुना लोकसभा के लिए वोट डाले जाने हैं जी। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि सिंधिया परिवार इस बार कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा ऐसे आपको लग रहा है? लेकिन हम हमेशा इतने ही मेहनत करते हैं और हमेशा अपनी जो जनता है परिवार है उसके बीच में रहते हैं। तो इस साल कोई कुछ अलग नहीं है। इस बार मेरे पास और समय है क्योंकि मैं कॉलेज से भी वापस आया, तो मेरे पास अपनी जनता के बीच में बिताने के लिए और समय है। तो आपको इसलिए लग रहा होगा कि मैं और इसमें एफर्ट डाल रहा हूँ। आपके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, ऐसे में आप चाहते तो दूसरी फील्ड चुन सकते थे लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्रों में आकर सेवाएं करना, जन सेवा में लगे, तो क्या सक्रिय राजनीति कर रहा? नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये मैंने जैसे कहा ये हमारे दिल से आता है। लोगों के बीच में बैठना समय बिताना ये चीज जो है दिल से आना चाहिए, ये एक रोजगार की तरह नहीं देखना चाहिए आपको। वैसे आप जानते हैं कि मेरा जो फोकस है मेरे स्टार्टअप पे है, लेकिन उसके साथ साथ इस परिवार के साथ साथ कोई कहीं और जिम्मेदारी भी आती है। हमने सालों से पीढ़ियों से वादा किया है और कसम खाई है कि हम अपनी जनता की रक्षा करेंगे और उनको एक सुरक्षित मंच देंगे आगे बढ़ने के लिए, तो वो वादा और वो कसम भी हम निभाना चाहते हैं। आप एक युवा हैं, 2 चरण का मतदान निपट चुका है, 3रे चरण का मतदान होना है। चुनाव के दौरान देखा जा रहा है कि युवाओं को लेकर के उनके रोजगार को लेकर बात होने की जगह एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो रही है, इस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इन सब चीजों के बीच में नहीं आता है, मैं अपने जनता के बीच में जो उनकी मांग है मैं उन पे फोकस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहसबाजी से कुछ नहीं होगा, हम साथ में बैठ के अगर समाधान निकालें और आगे साथ में बढ़े, ये हमारी संस्कृति है तो हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका लोकसभा क्षेत्र विकास का मॉडल बने, इसको लेके आप क्या संभावना देखते हैं, क्या कुछ? बहुत बड़े संभावना है। आप जानते हैं मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत मेहनत करते हैं अपने लोगों के लिए, उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काफी काम कर रहे हैं और कितने योजनाएं निकाल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है सारे योजनाएं के लाभ उठाए और सारे फायदे उनको मिले।
तो हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपने कहा कि रोजगार, तो हम उनको और रोजगार दिलवाना चाहते हैं। ग्रामीण स्तर पे हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जोन खड़ा करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे को अच्छे अच्छे मौके मिले आगे जाने के। आप खेल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आप खेलते भी हैं, क्रिकेट खेलने का शौक है, तो यहाँ पर स्टेडियम की मांग युवाओं में काफी लंबे समय से उठती आई है जी। तो आप इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम, देखिए स्टेडियम से पहले मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हम जो मेरे पिता से डिस्कशन हो रही थी वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे होना चाहिए। स्टेडियम तब आता है जब आपके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल या स्टेट लेवल प्लेयर्स हो। सबसे पहले आपको नीचे से ऊपर अब एक मंच खड़ा करना है, तो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू करना चाहते हैं जिसमें अनेक स्पोर्ट्स हो, ताकि हमारे बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले और वो आगे जाके अलग अलग विभिन्न खेलों में इस क्षेत्र को रोशन करें। उसके बाद अगला स्टेप है स्टेडियम बनाना। एमपी में राजनीति की बात होती है और इसके बाद विकास की बात होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले छिंदवाड़ा विकास का मॉडल कहा जाता है, जबकि उतना ही बड़ा नाम आपके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। गुना का विकास का मॉडल कब ये गिनती में आया कि गुना विकास का मॉडल बने और मध्य प्रदेश में ये? देखिए हमने काफी कुछ कर दिया है, हम ऐसे परिवार है और ऐसे मेरे पिता ऐसे व्यक्ति है जो खुद को मार्केट नहीं करते, ठीक है, वो जनता पे विश्वास रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, वो जनता पे विश्वास रखते हैं और वो जनता के लिए काम करते हैं। उनको कुछ फायदा नहीं मिलता कहने के लिए कि भाई मेरा सबसे अच्छा मॉडल है या किसी और का सबसे अच्छा मॉडल है, वो जनता पे फोकस करते हैं और उनका दिल और दिमाग उसी पे लगा हुआ है। अगर वो अपने जनता को खुश देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वो अपने जनता को खुश देखते हैं तो उनको उसमें ही संतुष्टि मिलती है। आपको बता दें कि ग्वालियर राजघराने के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य